हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विथ मोमिता। और मैं मोमिता, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ यह है एक चिकन की रेसिपी जो बहुत ही इजी है बनाना, इसीलिए इसका नाम मैंने बैचलर्स चिकन रखा है। और इसको बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और जो भी है उसको आपको पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब खड़े मसाले यूज़ किए गए हैं, इसीलिए इसे मैंने बैचलर्स चिकन का नाम दिया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ 750 ग्राम्स ऑफ चिकन लिया है और इसको अच्छे से वॉश करके रखा है, लेकिन अभी तक मैंने इसे मैरिनेट नहीं किया है। तो इसको मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं एक लेमन का जूस रखी हूँ। इस जूस को मैं अब इस चिकन में ऐड कर दूँगी और इसके साथ मैं अब यहाँ पर सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ लगभग 2 स्पून जैसे सॉल्ट लिया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने दे दी हूँ। तेल भी गर्म हो चुका है और अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने चिकन मैरिनेट अच्छे से हो गया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ तेल में, ताकि तेल छिटक के बाहर ना आए, और इसमें एक एक करके सारा चिकन मैं डाल दूँगी। चिकन को मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं अब तेल में दूँगी। इसी में मैं सारे जो जो मुझे मसाला देना है इसमें दे दूँगी। देखिए, अब मैंने सारा चिकन ऑयल में डाल दिया है और एक बार इसे मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं दूंगी टमाटर। मेरा 750 ग्राम है तो इसमें मैं सिर्फ 3 टमाटर ऐड करूंगी। तो देखिए, सारा मैंने गोटा दिया, इसमें कुछ कट करना नहीं है, इसको मैंने सिर्फ बीच से कट कर लिया है और 3 टमाटर ऐसे ही करके मैं बीच से कट कर रखी हूँ। आप अगर 1 किलो चिकन देंगे या उससे ज़्यादा देंगे तो आप कम से कम 5 जैसे टमाटर दे सकते हैं। तो ये टमाटर और चिकन मैंने एक साथ दे दिया है और इसके साथ अब मैं ये जिंजर को क्रश कर दी हूँ और लहसुन भी मैंने खड़ा रखा है। जिंजर को मैंने इसलिए क्रश किया क्योंकि मुंह में बहुत बार लगने से अच्छा नहीं लगता खाते समय। और यहाँ पर मैंने ये ऑनियन, 2 ऑनियन कट करके रखे, इसे भी मैंने दे दिया। मैंने कोई भी पेस्ट नहीं बनाया है यहाँ पर। ये रेसिपी हम सब ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन बेसिकली ये उनके लिए है जो हॉस्टल में रहते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर जॉब करते हैं और उनको जल्दी बनाना है, मिक्सर नहीं है। तो ये रेसिपी उनके लिए है और ये ज़रूर आप ट्राई करके देखना। तो देखिए, यहाँ पर मैंने टमाटर भी रख दिए, टमाटर सॉफ्ट होने लग गया है, चिकन भी धीरे धीरे टेंडर हो जा रहा है और अभी इसमें मैंने और कोई मसाला नहीं डाला है, धीरे धीरे अब मैं डालूँगी। अब टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें से मैं अब इसको स्किन निकाल दूँगी, सारे टमाटर में इसे स्किन निकाल दूँगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे थोड़ा सा भी इसका दाना ना रहे। तो देखिए, इसे मैं अच्छे से निकाल दूँगी सारे स्किन को और धीरे धीरे इसको मैं मिक्स करूँगी ग्रेवी के साथ। तो अभी इसमें से मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, ये है टमाटर और चिकन का पानी, मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई भी पानी ऐड नहीं किया है। धीरे धीरे ये जब ड्राई होगा तो चिकन में कलर आएगा और ये अपने आप ये एक थिक ग्रेवी बन जाएगी। कुछ देर मिक्स करने के बाद और अच्छे से टमाटर को स्मैश करने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी 2-3 मिनट के बाद। बार बार इसे मैं देखूँगी ताकि पानी इसका ड्राई ना ज़्यादा हो जाए और ये लग ना जाए। तो देखिए, 2-3 मिनट बाद मैंने देखा है कि अभी भी टमाटर पानी है इसमें और टमाटर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो अब इस समय मैं इसमें 6 हरी मिर्च दे दूँगी। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी बड़ा घटा सकते हैं। 6 हरी मिर्च देने के बाद मैं कुछ खड़ा मसाला ऐड करूँगी इसमें, जैसे सूखी मिर्च, जावित्री, बे लीफ, बड़ा इलायची, दालचीनी, ब्लैक पेपर। इसको आप चाहे तो रोस्ट करके थोड़ा क्रश भी कर सकते हैं या फिर इसे खड़े भी दे सकते हैं। अगर आपको खड़ा मसाला में कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसे ऐसे ही दे दें, और अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे आप क्रश करके भी दे सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच हल्दी ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड करने के बाद सब एक साथ मैं इसे मिक्स कर दूँगी। सारे मसाले को मिक्स करके कुछ देर भूनने के बाद अब मैं इसमें कश्मीरी मिर्च दूंगी। ये सिर्फ कलर के लिए है, ये थोड़ा भी तीखा नहीं। इसमें मैंने 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च दी है, आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। कुछ देर तक चिकन को पकाने के बाद अब मैं कवर कर दूंगी, कम से कम 5 मिनट के लिए इसे मैं कवर करूँगी, तब तक जब तक पानी ना ड्राई हो जाए और मसाले से ऑयल ना अलग हो जाए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे 5 मिनट बाद। अब 5 मिनट बाद मैं फिर आई हूँ देखने के लिए।
तो ऊपर से ही दिख रहा है कि पानी बहुत सूख गया है, लेकिन अभी भी बाकी है। और आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लग रहा है, लेकिन अभी तक बाकी। इसमें मैं अब इसे मिक्स करूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद फिर से मैं कवर कर दूँगी, और बीच बीच में आके मुझे देखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि अभी पानी ड्राई हो गया है, सूख गया है, तो ये जल जाने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में आके मुझे इसे देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया, और अभी फिर से मैं इसे कवर कर दूँगी। फिर मैं बताती हूँ मैं आपको कि 2-3 मिनट बाद ये कैसा बना है। अब फिर से देखिए, ये काफ़ी ड्राई हो गया है और पूरा तेल ऊपर आ गया है, तेल बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है, ये लगभग पके गया है। तो इस स्टेज में अगर आप चाहे तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए। इसे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना है, बस मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, मैंने टेस्ट किया था कि इसमें नमक कम है, इसीलिए मैंने बस नमक ऐड करके इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। और मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं की हूँ क्योंकि इसमें मैंने खड़ा गरम मसाला दिया था, उसका बहुत अच्छा स्मेल है। और देखिए, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं दिए हैं, और ये बहुत ही सिंपल वे से, बहुत ही इजी प्रोसेस से ये बन गया है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए रेसिपी के साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, बाय, स्टे सेफ, बाय बाय।